सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई आर्ट ऑफ कंक्विस्ट की वीडियो में। आज की वीडियो राइनो रैम्पेज के बारे में है कि आप कैसे हाईली डैमेज प्राप्त कर सकते हैं और टॉप आ सकते हैं। इसके लिए ना किसी तरह की फॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, ना ही किसी और चीज़ की। बस आपको नॉर्मली दो चीज़ें यहाँ पर करनी हैं। फर्स्ट है आपको पैलाडिन और ग्लैडिएटर हीरो को इमॉर्टल बनाना है, एक तरह से जो 30-40 सेकंड तक वो टिक सकें। जितनी देर तक आपका पैलाडिन या ग्लैडिएटर हीरो यहाँ पर टिकेगा, उतनी देर तक आपके ट्रूप्स हैं वो जिंदा रहेंगे। सो हमें ऐसा ही करना है। इस फॉर्मेशन में मैंने वीरियन को है जो इमॉर्टल बनाया हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे। अब फिलहाल देखिए वीडियो। जब तक मेरा हीरो जिंदा है यहाँ पे, तब तक ट्रूप्स टिके हुए हैं। जैसे ही हीरो यहाँ पे मरेगा तो मेरे ट्रूप्स भी मर जाएंगे। ये देखिए धीरे धीरे मेरे ट्रूप्स मर गए हैं और ख़त्म। फर्स्ट अटैक में मैंने 477 बिलियन डैमेज कर दिया है। पहले इससे पहले मैंने जब ट्राई किया तो शायद 520 बिलियन के करीब पहुंच गया था मैं, लेकिन इस पर कम है। सेकंड फॉर्मेशन में मैं गफकार का यूज़ करूँगा, उसमें भी मैंने आर्टिफैक्ट लगाया हुआ है जिससे वो इमॉर्टल होगा, लेकिन थोड़े कम टाइम के लिए। वो मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कैसे। देखिए आप वीडियो। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार ट्राई करोगे तो थोड़ा बहुत डैमेज जो आपका बढ़ जाएगा। थर्ड फॉर्मेशन में मैंने सोलारिस को यूज़ किया है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा फॉर्मेशन को सेव करके रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सोलारिस के साथ 800 बिलियन डैमेज तक पहुंचा दिया था। इस टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ करीब करीब वहाँ तक पहुंच जाता है। तो देखिए ये टैग एबिलिटी का मैंने यहाँ यूज़ किया। और आपको कुछ नहीं करना गाइस, बस टैग एबिलिटी यूज़ की और उसके बाद आप ऐसे ही नॉर्मली अपनी एबिलिटियों को यूज़ करते रहना, और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। और जैसा कि देख सकते हैं आप गाइस, मैंने यहाँ पे 735 बिलियन डैमेज है जो कवर कर लिया है। थोड़ा और भी बढ़ा सकते थे मैं, हाँ नेक्स्ट ट्राई करूँगा तो शायद हो जाएगा और थोड़ा बहुत। और मैं सेकंड पोजीशन पे अभी चल रहा हूँ, थोड़ा डैमेज को और बढ़ा के मैं फर्स्ट लेने की कोशिश करूँगा। और आर्टिफैक्ट्स जो इसमें वीरियन में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो आर्टिफैक्ट है आपके हीरो को 10 सेकंड के लिए इमॉर्टल बना देता है, जिसको हम पहले एलिना में यूज़ कर रहे थे, लेकिन इवेंट में हम इसमें वीरियन में लगा के यहाँ पे यूज़ करेंगे। सेकंड हीरो है जो गफकार में मैंने टिसफियन वाला आर्टिफैक्ट लगाया हुआ है जो हीरोज़ को 5 सेकेंड के लिए इमॉर्टल बना देता है। थोड़ा कम टाइम है, लेकिन हाँ 5 सेकेंड के लिए काफ़ी है। और जो नेक्स्ट हीरो हमारा है वो है सोलारिस। सोलारिस में मैंने होरोग्लास का यूज़ किया हुआ है,
जो आपके हीरो को अराउंड 10 सेकंड के करीब सेम इमॉर्टल बना दे, 8 सेकंड के लिए इमॉर्टल बना देता है। 8 सेकंड के लिए इसमें कोई डैमेज नहीं मिलता। और प्रिज्म की बात करें तो मैंने यहाँ पे हेल्थ प्रिज्म, तीनों में हेल्थ प्रिज्म लगाए हैं तीनों हीरो में, ग्लेडिएटर और पैलाडिन में। और सभी प्रिज्म हैं जो वो ट्रूप्स अटैक पावर पे हैं। और बात करें ईथर कोर की तो इनको नॉर्मली ऐसे ही रेंडमली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। सो होप ये वीडियो आपकी कुछ हेल्प करेगी इस इवेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। So thanks for watching and love you guys.